नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस की जेनरिक दवा 5 राज्यों को भेज दी गई है। हैदराबाद में बेस्ड कंपनी हेट्रो ने रेमडेसिविर का जेनरिक वर्जन कोविफोर के नाम से बनाया है। कंपनी ने 20,000 वायल की पहली खेप दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्यों में भेजी है जो कोरोना से पूरी तरह से प्रभावित हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद जहां ये कंपनी है वहां भी दवा की पहली खेप यूज होगी। हेट्रो के मुताबिक कोविफोर का 100 मिलीग्राम का वायल 5,400 रुपए में मिलेगा। कंपनी ने अगले 3 से 4 हफ्तों में 1,00,000 वायल तैयार करने का टारगेट सेट किया है। अभी ये इंजेक्शन हैदराबाद में कंपनी की फॉर्मुलेशन फैसिलिटी में बन रहा है। दवा का एपीआई विशाखापट्टनम की यूनिट में बनाया जा रहा है। दवा की अगली खेप भोपाल, इंदौर, कोलकाता, पटना, लखनऊ, रांची, भुवनेश्वर, कोची, विजयवाड़ा, गोवा, त्रिवेंद्रम भेजी जाएगी। फिलहाल ये दवा केवल अस्पतालों और सरकार के जरिए मिल रही है, मेडिकल स्टोर्स पर नहीं। दवा कंपनी सिप्ला ने रेमडेसिविर बनाने वाली अमेरिकन कंपनी गिलेड साइंसेस इंक के साथ लाइसेंसिंग एग्रीमेंट साइन किया है। सिप्ला भी ये दवा बनाएगी और बेचेगी। कंपनी का कहना है कि उसकी दवा 5,000 रुपए से कम में उपलब्ध होगी। भारत में एलोपैथिक दवाओं के रेगुलेटर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सिप्ला और हेट्रो दोनों को गंभीर कोविड-19 मरीजों पर रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज के लिए दवा बनाने और बेचने की परमिशन दी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।